लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की टू मेथड्स फार्मूला मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में डिस्कस किए थे। आज रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आगे के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में क्या है, x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू थ्री वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, इसके रूट्स फाइंड करना है x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू थ्री वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे यदि x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, बचा कितना x, तो x इक्वल टू थ्री क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ही नहीं हो रहा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा तो उसके रूट्स कैसे फाइंड होंगे। क्लियर, तो यहाँ पे इसीलिए कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं है, वन करके इन दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा, x, x का डिवाइड वन से कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई x, x स्क्वायर माइनस x को x से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे लिख देना है आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर, तो ये 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x। क्लियर, अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे नहीं है, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो के फॉर्म पे सेट कर लेना है। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x, इधर जाएगा माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा जीरो। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है उसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर, हियर वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्लियर, फॉर्मूले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्लियर, यहां पे जब कंपेयर करेंगे ए इक्वल टू क्या होगा, हियर ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ x हियर माइनस 3 एंड c इक्वल टू माइनस 1। क्लियर, a b c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है, इसमें सभी वैल्यूज को पुट कर देना a b एंड c, देन b फाइंड आउट x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a इनटू c होल अपॉन में क्या आ जाएगा 2a मींस 2 इनटू 1। यहां तक आ गया सबको समझ में, ओके, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस फिर ये आ जाएगा माइनस 4 इनटू माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 होल अपॉन में आ जाएगा 2 देन 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 13 अपॉन 2। क्लियर, अब यहां पे 13 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं 13 किसी का। क्लियर, तो इसको रूट के अंदर ही रहने देना, तो यहां पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 13 होल अपॉन 2a, सो x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 13 बाय 2। क्लियर, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेना है और एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे। So these are the roots of given quadratic equation. Clear? Are you understood all students? Okay, pause the video, we note it down. Now second part.
1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equal to 11 upon 30, where x is not equal to minus 4 and 7. Means यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो माइनस फोर और सेवन नहीं हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे यदि माइनस फोर पुट करेंगे तो माइनस फोर प्लस फोर कितना आ जाएगा? जीरो, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा. यहाँ पे यदि x की वैल्यू सेवन पुट करेंगे तो सेवन माइनस सेवन जीरो, ये भी नॉट डिफाइन हो गया. क्लियर? तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस फोर एंड सेवन नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी इसके रूट्स हो सकते हैं. क्लियर? तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं दिस इक्वेशन, एलसीएम ऑफ एक्स प्लस फोर एंड एक्स माइनस सेवन. तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? दोनों डिफरेंट हैं, तो एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन. क्लियर? अनलाइक फ्रैक्शन में यही करते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे. अब सेम प्रोसेस, इसको डिवाइड कर दीजिए एक्स प्लस फोर से, कैंसिल आउट, कितना बचा x माइनस सेवन, वन के साथ मल्टीप्लाई, सिमिलर x माइनस सेवन ही आ जाएगा. क्लियर? माइनस, अब यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस सेवन कैंसिल आउट, कितना बचा x प्लस फोर. लेकिन यदि यहां पे निगेटिव साइन होगा तो आपको ब्रैकेट जरूर लगा देना. क्लियर? यदि प्लस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यदि निगेटिव साइन है तो आपको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाएगा. क्लियर? यहां पे कितना आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू में आ जाएगा 11 upon 30. क्लियर? x माइनस 7 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 का x माइनस 7 से क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए. सबसे पहले x का मल्टीप्लाई x माइनस 7 से, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 4x माइनस 4 7 28 इक्वल टू आ जाएगा 11 upon 30. क्लियर? अब यहां पे पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसिल आउट, माइनस सेवन माइनस फोर, माइनस का 11 आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर. अब माइनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स लाइक टर्म है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस सेवन से फोर माइनस कर दीजिए, थ्री आ जाएगा. नेगेटिव का साइन बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा 3x माइनस 28 इक्वल टू 11 upon 30. क्लियर? अब देखिए न्यूमरेटर पे 11 है, यहाँ भी न्यूमरेटर पे 11 है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1 upon 30. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो भी 11 है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्लियर? इसका मल्टीप्लाई से कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई से, आंसर उसमें भी आएगा, बट आपका आंसर जो होगा वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कैंसिल कर देना. क्लियर? तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन दिस इक्वल टू 1 upon 30. अब यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30. ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0. देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0. क्लियर? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया. अब इसको चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर दीजिए, फार्मूला मेथड से कर दीजिए, या कि फैक्टराइजेशन मेथड से. क्लियर? इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी मेथड से करना, इसके प्रीवियस वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको आप लोग फैक्टराइजेशन से देख लीजिए. बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0. फैक्टराइजेशन के लिए स्टेप क्या बताए थे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2, मल्टीप्लाई करने पे 2, ऐड सबट्रैक्ट करने पे 3, तो 2 बन जाए कितना आ जाएगा, 2. देन 2 प्लस 1 इक्वल टू 3. तो इसको मीडियन स्प्लिट कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इनटू x प्लस 2 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मीडियन टर्म. क्लियर? अब देखिए इसमें x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, तो माइनस का आ जाएगा 2x, फिर माइनस प्लस माइनस 1 का x के साथ तो 1x आ गया, और प्लस का 2 इक्वल टू 0. पेयरिंग कर लीजिए, 2 2 का पेयर
3 आ जाएगा। इन दोनों से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x माइनस टू फिर माइनस। अब सेकेंड पेयर से देखिए, यहाँ पे x है यहाँ पे 2 है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म हो गए, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उससे क्या लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 कॉमन ले लीजिए और माइनस भी कॉमन है, यदि माइनस कॉमन होगा तो सेकेंड वाले का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, आइदर दिस और दिस। तो यहां पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, एंड x इक्वल टू आ जाएगा 1। सो द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर 2 एंड 1। क्लियर, दिस इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया, ओके, पॉज द वीडियो, वी नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। क्लियर, यहां पे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस, रहमान्स की 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, उन दोनों की एज के रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 1/3। तो आपको प्रेजेंट एज फाइंड करना, जब आपके पास प्रेजेंट एज होगी तभी उसके पहले और उसके बाद की एज आपको मिल सकती है। क्लियर, तो सबसे पहले तो यहां फिलिप कर लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर, रहमान की प्रेजेंट एज क्या लेट कर लिए, एक्स ईयर। क्लियर, देन 3 इयर्स एगो एज ऑफ रहमान इक्वल टू एक्स माइनस 3 ईयर। क्लियर, एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ मींस आज से 5 साल बाद, यदि प्रेजेंट एज अपनी एक्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 5। एज ऑफ रहमान इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्लियर, तो आपको 3 इयर्स एगो 5 इयर्स फ्रॉम नाउ दोनों एजेस पता हो गई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। क्लियर, तो रेसिप्रोकल मींस क्या होता है, अपोजिट। तो x माइनस 3 का अब रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू होगा 1/3। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ, क्लियर। अब इसके बाद जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, टेकिंग एलसीएम x माइनस 3 इंटू x प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा x प्लस 5, इससे x प्लस 5 कैंसिल होगा, x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। क्लियर, अब यहां पे x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, 5 माइनस 3 2 अपॉन प्रोडक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू आ जाएगा 1/3। क्लियर, सो 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2x माइनस 15 अपॉन इक्वल टू 1/3। क्लियर, अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
क्रॉस मल्टीप्लाई दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15 इक्वल टू होगा 3 × 2 = 6 एक्स प्लस 6। अब ट्रांसपोज कर दीजिए आर जस को एलएचएस में, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अब यहाँ पे 6x पॉजिटिव में है इधर जाएगा नेगेटिव, माइनस 15 फिर माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। क्लियर, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 21 हो एड सब्ट्रैक्ट करने पे 4 हो, ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? एनी स्टूडेंट टेल मी अबाउट फैक्टर ऑफ 21। ओके 7 × 3, वेरी गुड। ऐसे टू नंबर्स क्या होंगे? 7 और 3 होंगे जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या मिलता है 21, और 7 को 3 से माइनस कर देंगे, ठीक, तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4। मिडिल स्प्लिट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 होल ब्रैकेट आउटसाइड एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0, ओपन कर दीजिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, पेयरिंग ऑफ टू। क्लियर, तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है x, x माइनस 7 प्लस 3 × x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 7 × x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज आल्सो इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 एंड x इक्वल टू माइनस 3। ये आपके रूट्स क्या फाइंड हो गए 7 एंड माइनस 3। अब रूट्स जो है उसको क्या लेट किए थे प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। क्लियर, रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है x है, तो यहां पे x इक्वल टू क्या है 7 और x इक्वल टू माइनस 3, तो किसी की जो एज होगी वो नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती। क्लियर, यदि एज नेगेटिव में नहीं होगी तो यहां पे क्या लिख सकते हैं सिंस x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 बिकॉज किसी की भी एज नेगेटिव में नहीं होती है। क्लियर, सो टेकिंग x इक्वल टू 7 देन प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी या कि विल बी 7 years, मींस जो रहमान की प्रेजेंट एज होगी वो क्या हो जाएगी 7 years। क्लियर, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? बस आपको यहां पे जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको कंसंट्रेट होके रीड करना है। क्लियर, और वर्ड प्रॉब्लम को रीड करते टाइम पे आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमको तब तक एक बार में पढ़ना है जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए। क्लियर, जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा यदि आप आधा अधूरा पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो सकता है। क्लियर, ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफोली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। क्लियर, हैड सी गॉट 2 मार्क्स इन मैथ मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। क्लियर, क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिखा हुआ है एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें सेफोलीज के मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम जो है वो 30 दिया हुआ है। अब मैथमेटिक्स में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, ये अपने को आइडिया नहीं। क्लियर, लेकिन टोटल सम अपने को गिवन है कि उन दोनों टोटल सब्जेक्ट्स का मार्क कितना है 30 है, तो यहां पे आप किसी न किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को लेट कर लीजिए। यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द मार्क्स ऑफ सेफोलीज
सेफॉल इज इन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स बी एक्स। क्लियर, मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हैं? एक्स हैं, और दोनों का सम कितना है? 30 है। यहां पे लिख लेंगे सिंस मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश इक्वल टू कितना है? 30। यहां पे मैथ्स के मार्क्स में है एक्स लिख ही कर चुके हैं, प्लस इंग्लिश के मार्क्स, इंग्लिश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। तो यहां पे इंग्लिश के मार्क्स जब निकालेंगे ये प्लस का एक्स है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। बस यहीं पे पूरा खेल है आपका, इंग्लिश मार्क्स विल बी 30 माइनस एक्स। क्लियर, मैथमेटिक्स के मार्क्स भी पता हो गए एक्स है, और इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं? 30 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? इफ हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। क्लियर, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा होते हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते हैं, तो उन दोनों के मार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाता है? 210। क्लियर, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स क्या होता है? मोर, मोर मींस पॉजिटिव और लेस मींस नेगेटिव। तो यहां पे जो इंग्लिश के मार्क्स हैं 30 माइनस एक्स माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 मार्क्स क्या है? लेस इन इंग्लिश। देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज मार्क्स इक्वल टू 210। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने का मतलब यही है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने को पुट अप कर देना है। क्लियर, ये स्टेटमेंट आ गया सबको समझ में? यदि मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा होते हैं और इंग्लिश के मार्क्स में 3 मार्क्स लेस होते हैं, तो उन दोनों के मार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाता है? 210। क्लियर, देन x प्लस 2 इनटू 30 माइनस 3 27 माइनस x इक्वल टू 210। प्रोडक्ट दीजिए, x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 27 x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। देन 27 x माइनस 2x, 27 से 2 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा? 25x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। क्लियर, यहां पे x स्क्वायर को पहले लिख दें, माइनस का x स्क्वायर प्लस 25x, 54 माइनस 210, 210 से 54 माइनस कर दीजिए, 10 में 4 6, 10 में 5 5 1 कितना आ गया? 156। माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस 156 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? माइनस में है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? माइनस साइन से सभी को डिवाइड कर देंगे। क्लियर, ऑन डिवाइडिंग बाय माइनस साइन ऑल टर्म्स। क्लियर, यहां पे जब माइनस से डिवाइड करें या माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। क्लियर, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसके बाद आप किसी भी मेथड से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, यदि x की वैल्यू जो भी आएगी तो उसको यहां पे जो भी x का वैल्यू होगा वो मैथमेटिक्स का मार्क्स, और 30 से x माइनस कर देंगे तो किसका मार्क्स हो जाएगा? इंग्लिश का। तो आपको दोनों मार्क्स फाइंड हो जाएंगे। ये आप लोगों के लिए है डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, पॉज द वीडियो।